नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके साथ दीक्षा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जी हाँ साथियों, अब दीक्षा पर भी हम हमारे समूह बना सकते हैं और हमारे साथियों की प्रगति उस समूह के माध्यम से ट्रेस कर सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रतिशत कोर्स अपना कंप्लीट किया है। तो यदि आप संस्था प्रधान का कार्य कर रहे हैं या ब्लॉक POC का कार्य कर रहे हैं या केवल अपने साथियों की हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिए कि जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम समूह बना पाएंगे दीक्षा पर, कैसे उनकी साथियों की प्रगति ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दीक्षा के ऐप को ओपन करना है। जैसे ही हम दीक्षा के ऐप को ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आता है और यहाँ हमें कुछ डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। तो हम चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं या इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे सामने यहाँ जो तीन ब्लू लाइन हमें दिखाई दे रही है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखा आएगा साथियों एक जगह मेरे समूह, तो इस मेरे समूह वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब साथियों मैंने तो पहले से ही अपना समूह बना रखा है इसलिए यहाँ मुझे मेरा नाम दिखाई दे रहा है। दर्पण हेल्पलाइन के नाम से मैंने यहाँ समूह बना रखा है तो ये यहाँ आपको शो हो रहा है। लेकिन यदि आपने नहीं बना रखा है तो यहाँ पर जो हमें ये प्लस के साथ ग्रुप का निशान दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दीक्षा इस तरह से हमारे सामने अगला प्रश्न लेकर आएगी जहाँ हमें समूह का नाम जो आपको 50 अक्षरों में शो करना है, यहाँ आप जो भी समूह बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद समूह का विवरण एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दे देना है हमारे समूह का कि हम किससे संबंधित ये समूह है, क्या कार्य करेंगे इस पर। उसके बाद यहाँ हमें दिखाई दे रहा है मुझे दीक्षा के नियम शर्तें स्वीकार है, तो ये जो चेकबॉक्स हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। उक्त सारी जानकारी भरने के पश्चात अब हमें यहाँ आखिरी में दिखाई दे रहा है समूह बनाएं, तो आपका समूह इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपका समूह बनकर रेडी हो जाएगा और आपके सामने जैसा मेरा समूह का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा समूह का नाम आपको भी दिखाई देगा। अब इस पर आपको कार्य कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ साथियों। तो अब जब आपके सामने इस तरह का समूह का नाम सही डिस्प्ले हो जाएगा तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें गतिविधि जोड़नी होगी साथियों। यहाँ हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है गतिविधि जोड़ें, तो इस पर हमें क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का अगला प्रश्न आएगा जहाँ कोर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो ये कोर्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। फिर जो अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दीक्षा थोड़ा प्रोसेस करेगी और जितने भी दीक्षा पर कोर्स है वो खुलकर आपके सामने आएंगे। लेकिन हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमें यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में लिखना होगा साथियों RISE दीक्षा, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ साथियों। जैसे ही मैंने यहाँ R टाइप किया है मेरे सामने यहाँ लिखा हुआ आ गया है RISE दीक्षा, तो आपके सामने भी ऐसा लिखा आएगा। अब यहाँ जो ये सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने हमारे राज्य के कोर्स आ चुके हैं। अब हम मान लो कि इसमें जोड़ना चाहते हैं स्थानीय मान वाली गतिविधि को, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा समूह में जोड़ें, तो समूह में जोड़े वाला जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब ये गतिविधि हमारे समूह में जुड़ चुकी है। अब साथियों बारी आती है कि हम हमारे जो साथी है उनकी प्रगति कैसे ट्रेस करें और कैसे इसको इस समूह में उन साथियों को जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दीक्षा जो है हमारी किसी भी जानकारी को शेयर नहीं करती है, केवल आपका नाम साथियों के सामने डिस्प्ले होगा जो भी इस ग्रुप में जुड़े होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ जोड़ घटा गुणा की समझ इस पर हमें क्लिक करना है। अब जो भी मेरे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं जैसे ऊपर ही ऊपर मेरा नाम आ रहा है, आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा नाम आ रहा है। मैंने जो जोड़ घटा गुणा की समझ वाला कोर्स कम्प्लीट कर लिया है तो यहाँ ग्रीन में राइट का निशान आ रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे एक साथी और है, इन्होंने इनका कोर्स अभी यहाँ कितने प्रतिशत कंप्लीट किया है आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह हम यदि हमारे और साथियों जो भी इस आपके ग्रुप से जुड़ेंगे उसके इस तरह से सूचना हमारे सामने डिस्प्ले होगी, इससे हमें ये सहायता मिलेगी कि हमारे साथी जो है कितना कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन
जिनकी मेरे पास लगातार कमेंट आती रहती है और वो कहते हैं कि सर मैंने कोर्स पूरा कर लिया है लेकिन फिर भी मेरा सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, तो हम उनकी प्रगति यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 100% या राइट का निशान आएगा तो निश्चित आपने कोर्स पूरा कर लिया, अन्यथा आप जैसे ये कुछ साथी है कि ये नहीं कर पाए हैं, अब ये कहते हैं कि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है लेकिन इस ग्रुप में उनकी जब मैं प्रगति ट्रेस कर रहा हूँ तो इनका कोर्स कंप्लीट नहीं है। अब बात आती है कि इस ग्रुप में आप साथी या सदस्य कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए आपको आना होगा आपकी प्रोफाइल पर। मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ साथियों कि जो हमारी प्रोफाइल है वहाँ इसमें क्या जोड़ेंगे तभी इस ग्रुप में जुड़ेंगे। अब जैसे आपको भी यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा आपकी ऐप पर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ऊपर आपको आपका नाम दिखाई देगा, इसी नाम के नीचे हमें मिलता है साथियों दीक्षा आईडी, तो इस आईडी ये वाली आईडी की आवश्यकता हमें वहाँ पड़ेगी। जो भी आपका नाम के साथ जो आईडी हो, मैंने यहाँ सुरक्षा कारणों से कुछ ब्लूर किया हुआ है लेकिन आपको इस आईडी को उनसे ले लेना है जिसकी भी आप प्रगति ट्रेस करना चाहते हैं। और अब इस आईडी को लेने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि ग्रुप में कैसे जोड़ेंगे साथियों को। तो आपको वापस आना होगा आपके ग्रुप, जो आपने ग्रुप डिज़ाइन किया है, जैसे मैंने दर्पण हेल्पलाइन के नाम से ग्रुप बना रखा है। अब यहाँ साथियों सदस्य संख्या मेरे पास 8 आ रही है तो मैंने केवल 8 ही साथियों को इसमें जोड़ रखा है। तो अब यहाँ हमें करना क्या है कि सदस्य वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब साथियों हमें यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है सदस्य जोड़े, तो ये सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जैसे मैं भी क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा दीक्षा आईडी, उस साथी की हमसे दीक्षा आईडी पूछी जाएगी। तो हम उस आईडी को यहाँ, मैंने अभी जो आपको प्रोफाइल पे जाके बताया है, उस आईडी को हमें यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है सत्यापित का साथियों, तो हमें इस तरह हम जब हमारी ऊपर दीक्षा आईडी दर्ज कर देंगे तो यहाँ सत्यापित का ऑप्शन हमारे सामने एक्टिव हो जाएगा। इस पर हमें क्लिक कर लेना है साथियों। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दीक्षा ऐप थोड़ा प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह से कैप्चा कैलकुलेशन लेकर आएगी। अब आपको वहाँ कैप्चा दर्ज कर देना है और उस जिस साथी को हम जोड़ना चाहते हैं उसका नाम हमारे सामने अब यहाँ डिस्प्ले होने लगा है। तो हमें अब यहाँ समूह में जोड़े वाले ऑप्शन पर इनको क्लिक कर देना है और जैसे ही हम समूह में जोड़ेंगे तो ये साथी हमारे सामने जुड़कर हमारे साथ आ जाएंगे। ये लीजिए साथियों, इनका नाम हमारे सामने यहाँ डिस्प्ले होने लगा है। तो इस तरह हम हमारा जो भी साथी को जोड़ना चाहते हैं इस ग्रुप में और जो भी हमारा कार्य है उनका कार्य हम ट्रेस करना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति की है, कौन सा कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया है या कौन सा नहीं किया है, उनको कोई समस्या है, तो आप इस तरह से उनको समूह में जोड़ के उनकी प्रगति ट्रेस करके उनको आप बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सा कोर्स आपका कंप्लीट कर लिया है और आगे उनको कितना कार्य करना है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको समूह बनाने में निश्चित ही मदद करेगी। मिलते हैं इसी तरह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।